Hello, students, welcome back. This is Aziz Khan from Praxis Vidya Pit, Roli Basti. Dear students, I hope you all are fine. Today, dear students, today we will know about GK chapter number 46 Know Your Body. डियर स्टूडेंट आई होप आप सभी लोग आराम से होंगे आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जी के चैप्टर नंबर फोर्टी सिक्स नो योर बॉडी डे स्टूडेंट्स आज हम अपने जो हमारे शरीर में शरीर के जो पार्ट हैं उसको हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ बॉडी के नेम को कुछ कुछ पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम को हम जानेंगे तो आइए हम देखते हैं हाउ विल डू यू नो दार्ट्स ऑफ योर बॉडी क्या आपको मालूम है कि बॉडी के क्या पार्ट्स हैं कुछ पार्ट्स यहाँ पर हैं स्क्रीन में आप देख सकते हैं आइए हम उनके बारे में जानते हैं नंबर ए हेयर इज अ फन क्विज सी हाउ फास्ट कैन यू गेट द आंसर आइए हम कितनी जल्दी में इसके ये जो प्रश्न क्वेश्चन है इसके क्वेश्चन को कितनी जल्दी में हम इसका आंसर दे सकते हैं आइए हम देखते हैं फर्स्ट है अ बेबी काउ इज कॉल्ड बाय दिस वर्ड एंड इट इज अ पार्ट ऑफ आवर लैफ अ बेबी काउ इज कॉल्ड बाय दिस वर्ड एक गाय के बच्चे को इसी शब्द से इसी वर्ड से पुकारा जाता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ और लेग और हमारे पैर का एक हिस्सा भी होता है तो डियर स्टूडेंट इस पार्ट को क्या कहा जाता है जो एक गाय का जो बच्चा होता है जो बछड़ा होता है उसको भी इसी उसको भी उसका भी यही एक नाम होता है और हमारे पार्ट का हमारे शरीर का एक हिस्सा भी होता है तो यहां पर आपका आएगा फर्स्ट में डेयर स्टूडेंट्स काफ सी एल एफ काफ काफ मीन्स होता है गाय का बच्चा या फिर आप पिंडली भी होता है एक शरीर में एक बॉडी का पार्ट्स पिंडली भी होता है तो यहां पर आपका फर्स्ट में आएगा सी ए एल एफ काफ अब इसके बाद नंबर टू है वी हैव टू ऑफ देम हमारे पास इनमें से दो हैं वैन वी ब्रीथ इन द एयर जब हम हवा में सांस लेते हैं वैन मीन्स होता है जब वैन वी ब्रीथ इन द एयर जब हम हवा में सांस लेते हैं तो दे एक्सपांड फिर वो जब हम मेरे प्यारे बच्चों डे स्टूडेंट्स जब हवा में हम सांस लेते हैं तो वो चीज़ फैल जाते हैं उसको क्या कहा जाता है तो वो जो है उसको कहा जाता है लंग्स लंग्स मीन्स होता है फेफड़ा एल यू एन जी एस लंग्स लंग्स का मीनिंग होता है फेफड़ा जब डे स्टूडेंट हम हवा में सांस लेते हैं तो जो हमारा फेफड़ा होता है जो हमारे लंग्स होते हैं वो एक्सपांड हो जाते हैं यानी फैल जाते हैं इसके बाद अब नंबर थर्ड है दिस पेयर ऑफ बीन सेप्ड ऑर्गेन्स हेल्प अस टू पास द वेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन यानी बीन के आकार के अंगों की यह जोड़ी हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ यानी वेस्ट मटेरियल को मूत्र के रूप में पारित करने में मदद करती है उसका नाम क्या है तो डे स्टूडेंट हमारे बॉडी को जो मूत्र के रूप में जो पारित करने में हमारी मदद करती है उसका नाम है यहाँ पे आएगा नंबर थर्ड में किडनी डे स्टूडेंट इसकी स्पेलिंग है ध्यान से आप देखिए और अपने बुक में भी आप फिल कर लीजिए इसका मैं आज आपको एक स्कैन करके इसका पेजेज आप, आपको मैं भेजा था लेकिन एक बार मैं इसको रिपीट भी कर रहा हूं तो यहां थर्ड में आपका आएगा किडनी के आई डी एन ई वाई एस किडनीस अब नंबर फोर्थ है वी हैव टेन ऑफ दीज इनमें से हमारे पास हमारे शरीर में दस हैं अब वो क्या है दस आइए हम आगे देखते हैं दे हेल्प अस टू टाइप क्लैप एंड क्लिक अब वो कौन सी स्टूडेंट वो कौन सी चीज़ है कौन सा पार्ट्स ऑफ बॉडी का नाम है जो हमारे पास दस है जिससे हम क्लाइ क्लाइब भी करते हैं और क्लिक भी करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे प्यारे विद्यार्थियों नंबर फोर्थ में आपका आएगा फिंगर्स अब हमारे पास कितना टेन फिंगर्स हैं फाइव प्लस फाइव टेन टेन फिंगर्स हैं और इससे हम क्लाइब भी करते हैं तो यहां पर आपका आएगा फिंगर्स एफ आई एन जी ई आर एस फिंगर्स अब नंबर फाइव में है रीआरेंज द लेटर्स यहां पर आप देख सकते हैं सी एल यू एम ई एस टू फाइंड द बॉडी पार्ट्स ऑफ पार्ट दैट हेल्प अस टू मूव अब ये जो वर्ड आपको दिख रहे हैं सी एल यू एम ई एस इसको हमें क्या करना है अरेंज करना है यानी सही क्रम में लिखना है सही क्रम में करना है जिससे एक वर्ड प्रॉपर बने तो इसको हम करेंगे डे स्टूडेंट्स आइए हम करते हैं इसको कहा जाएगा मस्कल्स एम यू एस सी एल ई मस्कल तो ये जो सी एल यू एम ई एस वर्ड है इसको आपका बनेगा मस्कल एम यू एस सी एल ई मस्कल्स अब उसके बाद आपका बी है नंबर बी पर हम जाते हैं और देखते हैं क्या है विच पार्ट ऑफ द बॉडी कनेक्ट्स टू गिवन वर्ड्स कौन से वो बॉडी का पार्ट्स है कौन से हमारे शरीर का अंग है जो ये वर्ड नीचे आपको दिए हुए हैं इनसे कनेक्ट है आइए हम देखते हैं फर्स्ट है लेस लीड बॉल ब्रो अब ये चार बॉडी के पार्ट्स हैं अब इससे क्या कनेक्ट हैं तो आइए हम देखते हैं इसको कहा जाएगा लेस मीन्स होता है आपका बरोनि लीड मीन्स पलक बॉल मींस अनकोस ब्रो ब्रोमींस भाव ये चार ऑप्शन हैं ये चारों ऑप्शन को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो एक वर्ड बनेगा जिसका नाम है आइस इसकी स्पेलिंग है ई e वाई ई -E एस आइस नंबर टू में है आपका सोल हील टोस सोल मीन्स होता है जूते का तला हील मींस होती है एड़ी और टोस मीन्स होता है पंजा या पैर की अंगुली अब इस वर्ड को हम एक अगर एक वर्ड बनाएंगे एक कनेक्ट इससे करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका लेग क्योंकि सोल जूते का तला होता है और हील जो होती है एड़ी होती है और टोस जो होता है पंजा होता है तो ये सबको कनेक्ट करेंगे तो उसका लेग होता है यानी पाँव तो यहां पर आपका आएगा एल ई जी लेग लेग मींस होता है पाँव नंबर थ्री में है लोब ड्रम रिंग लोब मींस होता है अंश भाश या भाग ड्रम मींस होता है नली रिंग मीन्स आप जानते हैं तो सॉरी हाँ रिंग मींस आपका होता है कान में जो हम पहनते हैं रिंग उसको कहा जाता है तो इससे कनेक्ट है ईयर तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपका आएगा ईयर ई ए आर ईयर नंबर फोर्थ है टाई चेन, कॉलर तो ये किस में पहना जाता है डियर स्टूडेंट टाई होती है और जो गले में चेन पहना जाता है उसके बाद कॉलर भी होती है वहीं पे, तो ये जो वर्ड कनेक्ट हैं ये नेक होगा एन ई सी के नेक नंबर फाइव पाम्स फिंगर्स ग्लोव आप जानते हैं पाम्स मींस होता है हथेली फिंगर्स मींस अंगुली ग्लोव मींस वो जो पहनते हैं आप देखते हैं ग्लोव्स हाथ में जो पहनते हैं तो इससे कनेक्ट है हैंड एच ए एन डी हैंड क्योंकि हथेली होती है पांव में फिर उंगुलियाँ होती हैं ग्लोव्स पहनते हैं जो तो ये कनेक्ट है हैंड हैंड हैं। ये चैप्टर आपका समाप्त होता है पेज नंबर फिफ्टी सिक्स चैप्टर नंबर फोर्टी सेवन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर हम आइए स्टूडेंट एक कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में जानते हैं जानेंगे तो आइए हम देखते हैं ले स्टार्ट टिक द करेक्ट आंसर आइए जो सही आंसर हैं उनको हमें टिक करना है फर्स्ट है व्हाट डू यू यूज टू टाइप लेटर्स आप टाइप लेटर्स आप एक लेटर को बनाने के लिए कौन से की या क्या यूज करते हो क्या प्रयोग करते हो होट डू यू यूज टू टाइप लेटर्स नंबर्स एंड सिंबल ऑन द कंप्यूटर कंप्यूटर पे आप जो टाइप लेटर लेटर को टाइप करते हो नंबर्स को डालते हो सिंबल को भी इंसर्ट करते हो वो किसके हेल्प से करते हो तो यहाँ पर आपका आएगा चार ऑप्शंस हैं आइए हम चार ऑप्शंस को पढ़ते हैं फर्स्ट है अमाउस बी मदरबोड सी की डी मॉनिटर ये जो चार ऑप्शन हैं चारों कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं माउस जो आप चलाते हो हाथ के द्वारा तो दूसरा मदरबोर्ड जो आपके कैबिनेट में फिट होता है मदरबोर्ड जिस पर बहुत सारे रैम स्लॉट्स होते हैं तो मदरबोर्ड है ये कीबोर्ड जिससे हम टाइप करते हैं मॉनिटर जो डिस्प्ले हमें दिखाता है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा कीबोर्ड क्योंकि डे स्टूडेंट की बोर्ड से ही हम कोई भी वर्ड्स को टाइप करते हैं कोई भी लेटर को टाइप करते हैं और नंबर भी डालते हैं तो यहां पर आपका ऑप्शन आएगा कीबोर्ड। अब इसके बाद है नंबर टू विच ऑफ दिस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस ऑफ द माउस इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस होता है उसको पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है अब पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है पहले आइए हम ऑप्शन को देखते हैं पहला है सी पी यू बी माउस सी मोनीटर या डी प्रिंटर ये चार ऑप्शन हैं आपके सामने अब चार ऑप्शन में आपको चूज करना है कि कौन सा राइट आंसर है तो ये, ये आपका होगा माउस क्योंकि माउस जो होता है उसके साथ एक पॉइंटर होता है जो आपको मॉनिटर के स्क्रीन पर दिखाई देता है जब माउस को आप मूव करोगे तो साथ में आपका पॉइंटर भी मूव होता है जैसा कि किसी ऑप्शन को आपको क्लिक करना है तो वही पॉइंटर जो होता है माउस का वही पॉइंटर से आप पॉइंटर पॉइंटर से आप क्लिक करते हो तो यहां पर आपका होगा डियर स्टूडेंट्स माउस यानी टू का बी होगा माउस अब इसके बाद नंबर थर्ड है विच इनपुट डिवाइस कॉपीज इमेजेस फ्रॉम पेपर इन टू द कंप्यूटर कौन सा ऐसा डिवाइस है जिससे पेपर को कॉपी किया जाता है या स्कैन किया जाता है तो चार ऑप्शन आपके सामने आई चार ऑप्शन हम देखते हैं ए स्कैनर बी स्पीकर सी प्रिंटर डी कीबोर्ड स्कैनर जो होता है फ़ोटो को कॉपी करने के लिए यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में और स्पीकर जो होता है वॉइस को सुनने के लिए होता है और माइक्रोफोन जो होता है जिससे हम रिकॉर्डिंग करते हैं उसके बाद डी मॉनिटर जो हमें डिस्प्ले दिखाता है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा सॉरी आपका थर्ड है विच इनपुट डिवाइस कॉपी सीमाइज फ्रॉम पेपर इन टू द कंप्यूटर कौन सा ऐसा इनपुट डिवाइस है जिससे आप कंप्यूटर में कॉपी कर सकते हैं तो स्कैनर स्पीकर सी प्रिंटर डी कीबोर्ड तो इसमें से ऑप्शन थ्री का ए है स्कैनर ड्रे स्टूडेंट स्कैनर से आप कोई भी फोटोज को, कोई भी पिक्चर को आप कंप्यूटर में स्कैन कर सकते हैं कॉपी कर सकते हैं तो थ्री का होगा ए स्कैनर। इसके बाद फोर्थ है विच ऑफ दिस इज यूजली यूज फॉर वॉइस इनपुट आ कंप्यूटर चार ऑप्शन है आइए चार ऑप्शन को हम देखते हैं ए सी पी यू बी स्पीकर सी माइक्रोफोन और डी मॉनिटर। वो कौन सा इसमें से वो कौन सा ऐसा डिवाइस है इनपुट कौन सा ऐसा पार्ट्स है जिससे आप जो है कंप्यूटर में अपने वॉइस को डाल सकते हो इनपुट कर सकते हो तो फर्स्ट है सी पी यू बी स्पीकर सी माइक्रोफोन डी मॉनिटर तो यहाँ पर आपका फोर्थ का होगा सी माइक्रोफोन नंबर फाइव है विच आउटपुट डिवाइस डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन आपके सामने चार ऑप्शंस हैं आइए चारों ऑप्शंस को हम देखते हैं ए मॉनिटर, बी कीबोर्ड सी कर्सर या डी स्कैनर कौन सा इसमें एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है हमें स्क्रीन पर दिखाता है तो ये आपका होगा आई आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे वो है मॉनिटर तो ए पर आप टिक कीजिए मोनिटर ओ एन आई टी ओ आर मोनिटर डे स्टूडेंट्स फोर्टी सेवन चैप्टर हमारा समाप्त होता है एंड आई एम टर्निंग द पेज नेक्स्ट पेज फोर्टी एट डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस डे स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं यहां पर जो है कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं और उन्होंने क्या डिस्कवर किया है क्या इन्वेंशन किया है आइए हम उसके बारे में देखते हैं मैच द साइंटिस्ट टू देयर इन्वेंशन आइए हम उस वर्ड को मैच करते हैं जिस वर्ड को एक साइंटिस्ट ने बनाया इन्वेंशन किया है यानी एक साइंटिस्ट जो होता है जो वैज्ञानिक होता है वो अपना क्या चीज इन्वेंशन किया है क्या चीज़ को आविष्कार की कि, आविष्कार किया है आइए हम उसको मैच करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट है राइट ब्रदर्स डे स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं कि जो राइट ब्रदर एक साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या इन्वेंशन किया था तो आपका फर्स्ट है डी एरोप्लेन तो जो राइट right ब्रदर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एरोप्लेन को एरोप्लेन का इन्वेंशन किया था आविष्कार किया था तो आपका फर्स्ट में आएगा डी एरोप्लेन तो यहां पर आएगा डी में एरोप्लेन में यहां फर्स्ट लिखिए एक इसके बाद नंबर टू है अलेक्जेंडर ग्रहवेल अब ये भी एक साइंटिस्ट थे ये भी एक वैज्ञानिक थे अब इन्होंने कौन सा आविष्कार किया है आइए हम देखते हैं तो अलेक्जेंडर ग्रहम वेल्स नंबर टू का होगा आपका ये टेलीफोन यहाँ यानी टू का ए टेलीफोन तो जो एलेक्जेंडर ग्रह वेल्स साइंटिस्ट थे उन्होंने इन्वेंशन उनका जो इन्वेंशन था जो आविष्कार था उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था तो यहां पर टू का ए आएगा टेलीफोन इसके बाद थ्री है जॉन लोजी बेल्ड अब ये भी एक साइंटिस्ट थे ये भी एक वैज्ञानिक थे इन्होंने क्या इन्वेंशन किया है आइए हम देखते हैं तो थ्री का आपका होगा डियर स्टूडेंट्स टेलीविजन जो जॉन लो जी वे थे इन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया था तो यहां आपका थर्ड का ई होगा टेलीविजन यहां पर तीन नंबर डालिए टेलीविजन अब इसके बाद है फोर थोमस एल्वा एडिशन दे स्टूडेंट्स ये भी एक वैज्ञानिक थे अब इन्होंने भी एक आविष्कार किया है आइए वो कौन सा आविष्कार है हम देखते हैं तो थॉमस एल्वा एडिशन का होगा आपका फोर का ये होगा लाइट बल्ब यानी फोर्थ का आएगा आपका बी लाइट बल्ब इन्होंने ये जो साइंटिस्ट थे थॉमस एल्वा एडिशन इन्होंने बल्ब लाइट बल्ब जो होता है उसका अविष्कार किए थे अब इसके बाद है नंबर फाइव गैलीलियो ये भी एक साइंटिस्ट थे अब इनका क्या आविष्कार है इन्होंने क्या आविष्कार किया था क्या इन्वेंशन किया था आइए हम देखते हैं नंबर फाइव का होगा आपका टेलीस्कोप तो जो गलीलियो ये साइंटिस्ट थे इन्होंने आविष्कार किया था टेलीस्कोप स्टूडेंट जो आप पहले बहुत पहले आप देखा करते थे कि गांव में आते थे और आप ऐसा उसको उसके अंदर आप देखते थे तो उसको टेलीस्कोप टे, कहा जाता है अब नंबर सिक्स आपका है मार्को ने ये जो साइंटिस्ट स्टूडेंट इन्होंने जो आविष्कार किया था उसका नाम है वायरलेस टेलीग्राफ तो गुगलेल वो मार्कोने जो <coughs> सॉरी जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने जो आविष्कार किया था उसका नाम है वायरलेस टेलीग्राफ तो यहाँ पर आपका होगा सिक्स का जी वायरलेस टेलीग्राफ यहाँ सिक्स नंबर लिखे अब इसके बाद सेवेंथ है वॉल्टर हंट डे स्टूडेंट ये भी एक फेमस साइंटिस्ट थे वॉल्टर हंट अब इन्होंने क्या आविष्कार किया, किया है क्या इन्वेंशन किया है आइए हम देखते हैं सेवन वाल्टर हंट का आपका होगा ये सेफ्टी पिन सेफ्टी पिन का इन्वेंशन किया था इन्होंने ये जो सेफ्टी पिन है इसका आविष्कार किए थे वाल्टर हंट अब नंबर एट है आपका रिडोल्फ लीजल अब डे स्टूडेंट्स जो रिडोल्फ डीजल भी थे ये भी एक महान साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या आविष्कार किया है आइए हम देखते हैं तो रिडोल्फ डीजल इन्होंने जो आविष्कार किया था जो इन्वेंशन किया था उसका नाम है डीजल इंजन जो डीजल का इंजन होता है उसका आविष्कार रिडोल्फ डीजल ने किया था अब डे स्टूडेंट्स आपका फोर्टी एट चैप्टर भी समाप्त होता है अब इसके साथ में हम आपसे विदा होते हैं अब अगले चैप्टर में फिर हम देखेंगे आपके सामने एक नया पार्ट्स फिर हम लेकर आएंगे तब तक के लिए डे स्टूडेंट आप ये जो हमने आपको अब इसके बारे में जो हम हमने जाना है या पढ़ा है इसको आप अपने जो जीके का नोटबुक होगा उसमें लिख लेना डे स्टूडेंट आई होप आप सभी लोग आराम से होंगे अब इसके साथ में हम विदा होते हैं थैंक यू थैंक यू सो मच